हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू दी इस स्पेशल वीडियो दे विच आज आपां डिस्कस करांगे पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर दे लई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दा सेट नंबर 1, जिस दे विच आपां 20 क्वेश्चंस जीएस दे कवर करांगे डिटेल दे विच। इन्हां 20 क्वेश्चंस दे विच 10 क्वेश्चंस आपां ने इनक्लूड कीते ने हिस्ट्री तों, ते बाकी जो 10 क्वेश्चंस बचदे ने यह आपने शामिल किए ने इकनोमिक्स सबजैक्ट तो। टोटल हो गए 20 क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। ठीक है, इन 20 क्वेश्चन के रिलेटिड जो भी एक्सट्रा इनफॉर्मेशन बनती होएगी वह भी आप कवर करा इस सैट नंबर 1 के। ठीक है, तुहानू सबनू पता लग गया होएगा पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर की जी एग्जाम डेट है वह पीपीएससी के द्वारा अनाउंस कर दिती गई है। यह जो पेपर है यह तो 11 सितंबर 2022 ऑफलाइन पीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली अपने कोल 40 दिन बचते हैं अज्ज दे दिन नूं इनकलूड कर लिए अगर आप। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अपने कोल 40 दिन बचते हैं। 40 दिनों के लिए यह जो सीरीज़ है यह कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड यह सीरीज़ होएगी। ठीक है, इसका सैट नंबर 1 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा, मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो आप इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल तो सारे क्वेश्चंस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं की पूछा गया है, द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ठीक है, जो स्वराज पार्टी है इसनों ऑर्गेनाइज किस दे द्वारा किया गया सी, यह चार ऑप्शन आपां नूं दिते गए ने। ठीक है, इस दे विच जो अपना सही उत्तर बनेगा वह बनेगा CR दास एंड मोती लाल नहरू। जो स्वराज पार्टी है इसनों ऑर्गेनाइज किया गया सी मेनली CR दास की। ठीक है, इन्हां दे नाल मोती लाल नहरू के द्वारा भी हैल्प की गई सी, यह आपां ने याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा CR दास एंड मोती लाल नहरू। जो स्वराज पार्टी सी इस दे विच टोटल 4 मैंबर सी। ठीक है, 4 मैंबर है किड़े किड़े सी, 2 तो यही हो गए CR दास से मोती लाल नहरू, जोड़े बाकी 2 बचते हैं वह कौन कौन से आपको पूछा जा सकता है। इन्ह 4 ऑप्शन के 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कि इन्हों के परसन जो स्वराज पार्टी के नाल एसोसीएट नहीं आएगा, इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने याद रखना है CR दास और मोती लाल नहरू, तीजे जो परसन से इस पार्टी दे NC केलकर, NC केलकर, तो जोड़े चौथे परसन से इस पार्टी के उन्होंने नाम है GS घरपड़े, GS घरपड़े। यह टोटल 4 मैंबर से इस पार्टी के, ये आपको पता होने चाहिए ने। और जो मेन 2 लीडर से वह सी CR दास से मोती लाल नहरू। ठीक है, इस दे विच जो CR दास ने इन्ह की डैथ हो गई सी 1925 के, जो पार्टी है खत्म हो गई सी बाद दे विच। ठीक है, 1925 तो बाद जो CR दास ने जिहड़े इहदे लीडर सी, ठीक है, इन्हां दी ही डैथ हो गई सी, उस तो बाद स्वराज पार्टी जिहड़ी खत्म होने लग गई सी। ठीक है, यह स्टार्ट क्यों की गई सी, इसका कारण की है, इस दे विच बेसिकली जो गांधी दे द्वारा, यानी जो महात्मा गांधी जी ने इन्हां दे द्वारा एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जिहड़ी वो चलाई गई सी, इस नूं इन्हां दे द्वारा विड्रॉ कर लिया गया सी। ठीक है, इस करके इन्हां दे द्वारा स्वराज पार्टी जिहड़ी इसका गठन किया गया, यह आपां ने याद रखना है। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना CR दास एंड मोती लाल नहरू। सैकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इन वट सैशन डिड कांग्रेस डिकलेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल, यानी आपां नूं पुछा गया है इंडियन नैशनल कांग्रेस जो INC सी इन्हां दा केड़ा सैशन सी जिस दे विच इन्हां दे द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस जिहड़ा है डिकलेयर किया गया सी, पूर्ण स्वराज डिकलेयर किया गया सी, किस सैशन दे विच डिकलेयर किया गया सी। ठीक है, यह जो सैशन है यह किहड़ा सैशन सी, यह 4 ऑप्शन आपां नूं दित्ते गए ने। इस दे विच जो सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा लाहौर सैशन हैल्ड इन 1929, यानी 1929 दे विच, 1929 दे विच एक लाहौर सैशन होया सी। ठीक है, इस दे विच जो INC है इस दे द्वारा डिकलेयर किया गया कि जो 1929 वाला सैशन है इस दे विच कंप्लीट इंडिपेंडेंस है जी डिकलेयर की गई सी, पूर्ण स्वराज डिकलेयर किया गया सी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा ये ऑप्शन लाहौर सैशन हैल्ड इन 1929। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए इस सैशन को प्रिजाइड किस द्वारा किया गया सी, इसके प्रेजीडेंट कौन सी, इस सैशन के जोड़े प्रेजीडेंट से वह सी जवाहर लाल नहरू, जवाहर लाल नहरू से जोड़े वह प्रेजीडेंट से इस सैशन के लाहौर सैशन के, जो कि 1929 के। ठीक है, और इन्हों के द्वारा यह भी डिसाइड किया गया कि इंडिया के द्वारा पहला जो इंडिपेंडेंस डे है वह सैलीब्रेट किया जाएगा किस डेट नूं, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1930, यानी इन्हों के द्वारा पहला इंडिपेंडेंस डे जो भी अनाउंस किया गया, और 26 जनवरी 1930 इंडिया के द्वारा
सब तो पहला जो इंडिपेंडेंस डे है वह ऑबजर्व किया गया सी, सैलीब्रेट किया गया सी। ठीक है, यह भी आपने याद रखना, इसका आंसर बनेगा लाहौर सैशन हेल्ड इन 1929। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वीन्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन सी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन सी जिन्हों के द्वारा पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जी करवाई गई सी लंडन दे विच, यूके दी कैपिटल दे विच। ठीक है, आपां पूछा गया है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से उन्हों का नाम आपां क्वेश्चन दे विच पूछा गया है। ठीक है, यह चार ऑप्शन आपां दिते गए हैं और इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड जो सी, यह जो परसन सी, यह प्राइम मिनिस्टर सी लंडन दे उस समय यूके दे। ठीक है, जो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा बी ऑप्शन, रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उस तो बाद इस दे विच बेसिकली जो यह मीटिंग हुई सी, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जी हुई सी यह सक्सैसफुल नहीं हुई सी, क्योंकि इस दे विच जो मेन लीडर सी इन्हां दे द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट नहीं किया गया सी। ठीक है, उस तो बाद जो महात्मा गांधी जी ने इन्हां नूं बुलाया गया कि तुसी साडी जी सैकेंड मीटिंग होएगी, उस दे विच जिहड़ा है इनवाइट किया गया महात्मा गांधी जी नूं। ठीक है, यह जो बेसिकली 5 मार्च 1931 नूं एक गांधी इरविन पैक्ट साइन होया सी लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी दे विचकार। ठीक है, 5 मार्च 1931 नूं गांधी ते इरविन दे विचकार एक पैक्ट साइन होया सी, जिस दे विच इन्हां दे द्वारा डिसाइड किया गया बाद दे विच, यानी जिहड़ी सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिहड़ी उस दे विच पार्टिसिपेट करनगे इस पैक्ट तो बाद। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ी सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सी, ठीक है, जो सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सी ये कदों हुई सी, यह हुई सी 7 सितंबर 1931 नूं, 1931 दे विच होई सी जिहड़ी सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सी, यह आपां ने याद रखना, जिस दे विच महात्मा गांधी जी दे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया सी, यह आपां ने याद रखना। उस तो बाद आपां नूं यह पुछा जांदा है किहड़े व्यक्ति ने जिन्हां दे द्वारा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच पार्टिसिपेट किया गया सी, यह क्वेश्चन भी आपां नूं PPSC दे विच पुछा जा सकता है और प्रीवियस दे विच पुछा भी जा चुका है। ठीक है, यह सी डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर जो परसन ने, यह वह परसन ने जिन्हों के द्वारा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस दे विच पार्टिसिपेट किया गया सी। ठीक है, यह भी आपने याद रखना, इसका आंसर बन जाएगा अपना रामसे मैकडोनाल्ड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, माई स्ट्रोंगेस्ट बलवर्क इज गोन लैमेंटेड गांधी जी ऑन द डैथ ऑफ, यानी गांधी जी के द्वारा यह कहा गया सी माई स्ट्रोंगेस्ट बलवर्क इज गोन। ठीक है, यानी किस व्यक्ति की डैथ तो बाद गांधी जी के द्वारा कहा गया सी, एक स्टेटमेंट दिती गई सी माई स्ट्रोंगेस्ट बलवर्क इज गोन, किस परसन की डैथ तो बाद यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा दिती गई सी। यह चार ऑप्शन आपां नूं दिते गए ने और इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की डैथ तो बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिती गई जिसका नाम की है माई स्ट्रोंगेस्ट बलवर्क इज गोन। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा बाल गंगाधर तिलक। नैक्सट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हु फाउंडड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932, यानी 1932 दे विच 1932 दे विच एक समाज है जिसका नाम की है ऑल इंडिया हरिजन समाज। ऑल इंडिया हरिजन समाज है जिहड़ा, इसनों 1932 दे विच फाउंड किया गया सी, किस दे द्वारा इसनों फाउंड किया गया सी। ऑप्शन ए आपां नूं चार दिते गए ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी दे विच ऑल इंडिया हरिजन समाज का जिहड़ा है फाउंडेशन है जिहड़ा वह किया गया सी। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, सिक्स नंबर क्वेश्चन, टू विच परसनैलिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु, यानी कि व्यक्ति ने कि परसनैलिटी है जिसनों महात्मा गांधी जी के द्वारा दीन बंधु का जिहड़ा टाइटल है वह दिता गया सी, किस व्यक्ति को यह जो टाइटल है गांधी जी के द्वारा दिता गया सी। यह चार ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। ठीक है, इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा C F Andrews जो ने इन्हों महात्मा गांधी जी के द्वारा दीन बंधु का जिहड़ा टाइटल है वह दिता गया सी। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वह बन जाएगा बी ऑप्शन, C F Andrews। नैक्सट क्वेश्चन देखो, सैवंथ नंबर क्वेश्चन, द स्पैशल कांग्रेस सैशन हेल्ड इन 1920 एट कोलकाता वाज प्रिजाइडड ओवर बाय, यानी 1920 दे विच जो स्पैशल कांग्रेस का जिहड़ा सैशन होया सी, ठीक है, जो इंडियन नैशनल कांग्रेस सी इस दे द्वारा जिहड़ा स्पैशल जिहड़ा
सैशन करवाया गया 1920 करवाया गया कोलकाता दे विच। ठीक है, आपां नूं पुछा गया है इस नूं प्रिजाइड किसके द्वारा किया गया सी, ऑप्शन दिए गए हैं जवाहर लाल नहरू, लाला लाजपत राय, बोस या फिर गांधी जी। यह जो सैशन है स्पैशल कांग्रेस सैशन 1920 होया सी, जो इस नूं प्रिजाइड किया गया सी किसके द्वारा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। द नंबर ऑफ मैंबरस इन साइमन कमीशन वाज डैश, यानी आपां नूं पुछा गया है टोटल जो साइमन कमीशन सी इस दे विच टोटल मैंबरस किन्ने सी। ठीक है, जो साइमन कमीशन है जिहड़ा इह कदे लई बुलाया गया सी इंडिया दे विच, इह बेसिकली जो ब्रिटिश दे ब्रिटेन दे जिहड़े प्राइम मिनिस्टर सी उहनां दे द्वारा इंडिया दे विच सेंड किया गया सी, तां कि जो इंडिया दी जिहड़ी पोलीटिकल सिचुएशन है, इंडिया दी जो पोलीटिकल सिचुएशन है, ठीक है, उस नूं चैक करन दे लई जिहड़ा इह बुलाया गया सी, इस नूं इनवाइट किया गया सी इंडिया दे विच पॉलिटिकल सिचुएशन नूं चैक करने के लिए, ताकि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसनों बनाया जा सके। ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन नूं चैक करने के लिए जिहड़ा है यह इंडिया के भेजा गया सी साइमन कमीशन। बाद दे विच इस दे विच जो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगन लग गए सी, क्योंकि इंडिया के विच इस दे विच इस दा विरोध होया सी। ठीक है, क्यों होया सी, क्योंकि इस दे विच सारे जो मैंबर सी इस कमीशन दे विच सारे दे सारे की सी वाइट सी, इस दे विच इंडिया दा मैंबर कोई भी इनकलूड इस दे विच नहीं किया गया सी, ए आपां ने याद रखना। ठीक है, इस दे विच टोटल किन्ने मैंबर सी, 10 सी, 20 सी, 7 सी या फिर 12 सी, इस कमीशन दे विच जो मैंबर सी ओह किन्ने सी, 7 सी। ठीक है, और 7 दे 7 जिहड़े मैंबर सी ओह ब्रिटेन दे सी, यानी वाइट सी, यानी ब्रिटिश सी, इस दे विच कोई भी इंडिया दा जिहड़ा व्यक्ति आ ओह इस दे विच इनकलूड नहीं किया गया सी इस साइमन कमीशन दे विच। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, 7 मैंबरस। ठीक है, जदों साइमन कमीशन गो बैक का जिहड़ा नारे लग रहे सी और इसका विरोध होया सी, उस दे रिलेटिड आपां ने याद रखना है लाला लाजपत राय जी की डैथ हो गई सी 1928 दे विच। ठीक है, लाला लाजपत राय जी जो ने इन्हां दी डैथ हो गई सी 1928 दे विच, ये आपां ने याद रखना है। ठीक है, जदों ये विरोध कर रहे सी साइमन कमीशन का, जो इस दे विच सारे जिहड़े मैंबर सी ओह वाइट सी, इस करके अंग्रेज़ सी, इस करके इसका विरोध होने करके, ठीक है, लाठीचार्ज हो गया सी 1928 दे विच, जिस दे विच लाला लाजपत राय जी की डैथ हो गई सी 1928 दे विच, इह भी आपां नूं पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा 7 मैंबरस। नैक्सट देखो, पूर्ण स्वराज वाज डिकलेयर्ड एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन द कांग्रेस सैशन हैल्ड इन लाहौर अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ, यानी जो पूर्ण स्वराज का जिहड़ा है यह गोल रखा गया सी। ठीक है, जो लाहौर सैशन होया सी, आपां नूं पुछा गया है यह जो लाहौर सैशन होया सी 1929 दे विच, ठीक है, इस नूं प्रिजाइड किसके द्वारा किया गया सी। ऑप्शन दिए गए हैं जवाहर लाल नहरू, सी आर दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जो लाहौर सैशन सी यह आपां पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, इस नूं प्रिजाइड किया गया सी जवाहर लाल नहरू के द्वारा। इस आंसर बन जाएगा अपना जवाहर लाल नहरू, यानी यह जो सैशन है यह फस्ट जो इंडिपेंडेंस डे जिहड़ा 26 जनवरी अनाउंस किया गया सी, यानी 26 जनवरी 1930 पहला जो इंडिपेंडेंस डे है जिहड़ा यह ऑब्जर्व किया जाएगा, यह इस सैशन दे विच जिहड़ा अनाउंस है वह किया गया सी इस सैशन दे विच। ठीक है, यह जो सैशन है 1929 दे विच होया सी और इस नूं प्रिजाइड किया गया सी जवाहर लाल नहरू के द्वारा। इस आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, पंडित जवाहर लाल नहरू। द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वेयर ही डाइड वाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799 वाज़, यानी आपां नूं पुछा गया है जो कैपिटल सी, राजधानी सी टिप्पू सुल्तान की, वह आपां नूं पुछा गया है जिथे जो टिप्पू सुल्तान ने इन्हां दे द्वारा जिहड़ी है शहीदी प्राप्त की गई सी, यानी यह जो टिप्पू सुल्तान है इसकी डैथ हो गई सी, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हो रही सी 1799 दे विच, उस दे विच टिप्पू सुल्तान की डैथ हो गई सी उसकी कैपिटल दे विच, राजधानी दे विच। आपां नूं इसकी राजधानी पूछा गया है, ऑप्शन ने बेंगलोर, या फिर मैसूर, या फिर श्रीरंगापट्टनम, या फिर हैलीपैड। ठीक है, इस दे विच आपां ने याद रखना है जो टिप्पू सुल्तान सी इन्हां दी जो राजधानी सी ओह कीड़ी सी, श्रीरंगापट्टनम। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, श्रीरंगापट्टनम। नैक्सट आप 10 क्वेश्चन जिहड़े इकनोमिक्स के आपां ने इनकलूड किए ने इस सैट के विच ओह कवर करते हैं। ठीक है, इत्थे तक आपां ने 10 क्वेश्चन जिहड़े कवर किए ने ओह आपां ने हिस्टरी के कवर किए ने, मॉडर्न हिस्टरी के मेनली आपने क्वेश्चन कवर किए ने इस सैट के विच। हुण आपां जिहड़े 10 क्वेश्चन इकनोमिक्स के जिहड़े आपने कवर किए ने उन्हां नूं आपां डिस्कस करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के विच आपां नूं की पुछा गया है, इकनोमिस्ट हू बिलीव्ड दैट अनइंप्लॉयमेंट इज इंपॉसिबल एंड दैट मार्केट मैकेनिज्म हैज़ अ बिल्ट इन रेगुलेटरी सिस्टम टू मीट एनी अप्स एंड डाउनस,
यानी आपां नूं पुछा गया है उस इकोनॉमिस्ट का नाम पुछा गया आपां नूं जिसका विश्वास की सी इंप्लॉयमेंट इज इम्पोसीबल यानी जो बेरोजगारी है वो की है असंभव है ठीक है एंड दैट मार्केट मैकेनिज्म हैज़ बिल्ट इन रेगुलेटरी सिस्टम ठीक है यानी जो मार्केट मैकेनिज्म है यही की है जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसनों बिल्ट करता है ठीक है और मार्केट के विच जो अप्स एंड डाउनस होंगे ने उन्होंने मीट करेगा ठीक है यह कौन इकोनॉमिस्ट सी जिन्हों के द्वारा इस दे विच विश्वास सी जिहड़ा वो जताया गया सी ठीक है इस इकोनॉमिस्ट का नाम आपां नूं पुछा गया है यह चार ऑप्शन आपां नूं दिते गए ने इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वह बन जाएगा जे बी से यह एक इकोनॉमिस्ट सी जिन्हों के द्वारा यह जो विश्वास है वह जिताया गया सी जो बेरोजगारी है वह की है इंपॉसीबल है ठीक है असंभव है इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन जे बी से द सनराइज इंडस्ट्रीज इंप्लाई यानी इन्हों के आपको पूछा गया है इस दी इंडस्ट्री है जी जिसन आप सनराइज इंडस्ट्रीज इंक्लूड कर सकते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज वो होंगे ने जिन्हों के आने वाले टाइम के काफ़ी जोड़ा काफ़ी बूम देखने मिल सकता है ठीक है काफ़ी इंप्लॉयमेंट देखने मिल सकता है काफ़ी राइज देखने मिल सकता है काफ़ी इकोनॉमिक्स के राइज का मतलब की होंगे है काफ़ी ये बूम देखने मिल सकता है इस जी मार्केट है काफ़ी इनक्रीज हो सकती है आने वाले टाइम के उसनों की बोलते हैं आप सनराइज इंडस्ट्रीज ठीक है एक होंगे ने सनसैट इंडस्ट्रीज ठीक है सनसैट इंडस्ट्रीज जिमें फॉर एग्जाम्पल हूँ अजक ऑनलाइन चल रहा सब कुछ ठीक है ऑनलाइन हूँ जी ऑनलाइन इंडस्ट्रीज हो गई एक हो गई सनराइज इंडस्ट्रीज हो गई इस दे कंपैरिजन जो सनसैट इंडस्ट्रीज हो गई वो कि हो गई जिम्मे ऑफलाइन ठीक है ऑफलाइन जो इंडस्ट्रीज हो गई वो की हो गई सनसैट इंडस्ट्रीज हो गई जिन्हों का जो जमाना है वह घट रहा हूँ ठीक है और इस दे कंपैरिजन जो ऑनलाइन इंडस्ट्रीज हो गई वो की हो गई सनराइज इंडस्ट्रीज हो गई ये मतलब होंगे है सनराइज ते सनसैट इंडस्ट्रीज यानी जिन्हों के आने वाले टाइम के काफ़ी जोड़ा राइज देखने मिल सकता है ठीक है काफ़ी इंप्लॉयमेंट देखने मिल सकता है आपको काफ़ी अपनी जी इंडस्ट्री है वो बूम हो सकती है यानी काफ़ी ये जोड़ा है चढ़ाव हो सकता है ठीक है तुम्हें पता होगा इंडस्ट्री के राइज देखने मिल सकता है या फिर फॉल देखने मिल सकता है ठीक है फॉल किस देखने मिलेगा सनसैट इंडस्ट्रीज ठीक है आपको पूछा गया है सनराइज जी इंडस्ट्रीज होंदिया ने इन्हों की इग्जाम्पल आपको दी गई ने इन्हों के जी इग्जाम्पल है वो सनराइज इंडस्ट्रीज है यह चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा पेट्रोकैमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ए ऑप्शन पेट्रोकैमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज बीओएनसी ऑफ अ टैक्स इज डिफाइंड एज बीओएनसी जो है यह टैक्स एक टर्म यूज की जाती है इसकी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन पूछा गया है बीओएनसी ऑफ अ टैक्स इज डिफाइंड एज ऑप्शन चार दिए गए हैं आपको ठीक है तुम रीड कर सकते हो यह चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं ठीक है बीओएनसी का मतलब पूछा गया है जो टैक्स के आप टर्म यूज करते हैं इस दे विच जो बीओएनसी का मतलब है वह पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के ठीक है बीओएनसी का मतलब की होंगे है जो टैक्स बेस के इनक्रीज हों फिर रेवेन्यू के इनक्रीज होंगे यानी इनक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू या फिर इनक्रीज इन टैक्स बेस ठीक है उत्थे आप यूज करते हैं उत्थे आप यूज करते हैं टैक्स बीओएनसी बीओएनसी टर्म आप कितने यूज करते हैं यह टर्म आप यूज करते हैं जो इनक्रीज होंगे है टैक्स रेवेन्यू के फिर इनक्रीज होंगे है टैक्स बेस के इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वह की बन जाएगा बीओएनसी यानी सी ऑप्शन इनक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू या फिर इनक्रीज इन टैक्स बेस द डिफरेंस बिटवीन द GNP एंड NNP इज ईक्ल टू यानी GNP और GNP के आप किस चीज़ में माइनस करती है यह NNP के इक्वल हो जूगा ठीक है द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड द NNP इज ईक्ल टू ठीक है GNP के आप माइनस करिए यानी जो ग्रोस है यू अपने नैट नैशनल प्रोडक्ट बनाना है GNP का मतलब की होंगे ग्रोस नैशनल प्रोडक्ट तो इतने मतलब कि इसका नैट नैशनल प्रोडक्ट ठीक है यानी जो ग्रोस है इसको अपने नैट के कन्वर्ट करना है इस आप माइनस करिए कि आपको नैट मिल जाए ठीक है यह चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इस आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसीएशन कैपीटल डेप्रीसीएशन ठीक है जो आप ग्रोस के डेप्रीसीएशन माइनस कर देंगे तो आपको की मिल जाता नैट मिल जाता ठीक है इस आप माइनस करा हम डेप्रीसीएशन माइनस कर देंगे तो आपको की मिल जाएगा ग्रोस नैशनल प्रोडक्ट तो आपको की मिल जाएगा नैट नैशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया से इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन कैपिटल डेप्रीसीएशन सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू जो सप्लाई है यह अपनी जो डिमांड है खुद क्रिएट करती है ठीक है आपको पूछा गया है यह जो स्टेटमेंट है यह किस दे रिलेटेड है किस दे द्वारा यह जो स्टेटमेंट है वो दी गई सी
ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ऑप्शन चार दिए गए ने अपन, प्रोफेसर जे वी से, ठीक है, जॉन रॉबिनसन, एडम स्मिथ या फिर जे एस मिल, यह चार ऑप्शन अपन दिए गए हैं। ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यह जो स्टेटमेंट है यह किसके द्वारा दी गई सी, यह जो स्टेटमेंट है दी गई सी प्रोफेसर जे बी से दे द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वह बन जाएगा प्रोफेसर जे बी से। विच लॉ स्टेट्स दैट विद कॉन्स्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसिज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड स्टफ डिमिनिशिज एज इनकम इनक्रीजिज, यानी आपको पूछा गया है कि लॉ है जो आप चीज़ बारे दसदा है, यानी इस टेस्ट ते जो प्रेफरेंसिज ने, ठीक है, यह की हो रही ने, इन्हों अपने कॉन्सटेंट रखना, इन्होंने अपने कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है, जिम्मे इनकम बढ़ जाती आप जो टेस्ट वाली चीज़ा ने प्रेफरेंस कर प्रैफर कर लग जाए, उन्होंने अपने की करना कॉन्सटेंट रखना है। ठीक है, आपको की कहा गया है जो इनकम है, ठीक है, जो प्रपोर्शन है इनकम का वह की होएगा स्पेंड की होएगा घट होएगा फूड स्टफ के उपर। ठीक है, फूड जो आप यूज़ करते हैं जो आप खा रहे हैं उसके उपर जो प्रपोर्शन है जो इनकम का, जो अपनी इनकम है जी, मान लो इतने अपनी इनकम है जी 100 रुपये है, उस तो बाद अपनी जी इनकम है वो 150 होगी। ठीक है, इतने अपना जो इनकम के उत्ते मान लो आप 20% कोई जो फूड के उपर खर्चा कर रहे थे, यानी इतने आप 20 रुपये आप फूड के उपर जो खर्चा कर रहे थे, इतने भी आप कर रहे हैं हम 20 रुपये ही खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो टेस्ट के प्रेफरेंसिज ने जिड़िया अपने की रखी ने कॉन्सटेंट रखी ने। इतने आप प्रपोर्शन देख सकते हैं, इतने 20% आप खर्चा कर रहे हैं, इतने अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं, ठीक है, इतने आप कह सकते हैं 12% अप्रोक्सीमेटली इतने आप जरा खर्चा कर रहे हैं वो कि कर रहे हैं 12%, क्योंकि अपनी इनकम है जी की होगी राइज करके इनक्रीज होगी। इतने अपना जो फूड स्टफ के उपर जो आप खर्चा कर रहे थे की कर रहे हैं आप प्रपोर्शन घट कर रहे हैं, परसेंटेज की कर रहे हैं घट कर रहे हैं, इतने 20% कर रहे थे इनकम के अकॉर्डिंग, इतने कि कर रहे हैं 12%। यह जो स्टेटमेंट है, यह जो लॉ है किसके द्वारा दिता गया सी, जिस दे विच टेस्ट के प्रेफरेंसिज जो ने इन्हों कॉन्सटेंट रखा जाता है, यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिती गई सी, किस लॉ के द्वारा यह दिती गई सी। ऑप्शन ये चार दिए गए हैं आपको, सेज लॉ, ग्रिफिन लॉ, ग्रिशम लॉ या फिर एंजल्स लॉ। यह जो लॉ दिता गया सी, ये दिता गया सी एंजल्स लॉ के द्वारा, यानी एंजल लॉ है जिहड़ा ये आपको दसदा है टेस्ट के प्रेफरेंसिज जो ने यह आपने की रखनिया ने कॉन्सटेंट रखनिया ने, तो जिहड़ा अपना खर्चा होएगा फूड के उपर वह की करेगा घटेगा प्रपोर्शन के। इस आंसर बनेगा डी ऑप्शन एंजल्स लॉ। नैक्सट देखो, मार्जिनल कोस्ट इक्वल्स टू, यानी मार्जिनल कोस्ट जो है इसका जो मतलब है आपको पूछा गया है किस देकुल होंदा है। ठीक है, मार्जिनल जो कोस्ट होंदी है किस देकुल होंदी है, ये आपको क्वेश्चन के विच पूछा गया है। ठीक है, यह चार ऑप्शन ए बी सी डी अपन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा डी ऑप्शन, द चेंज इन टोटल कोस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी, यानी जो टोटल कोस्ट है, ठीक है, यानी जो चेंज हुए हैं, ठीक है, चेंज इन टोटल कोस्ट डिवाइड कर देने आपने किस दे नाल, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, जो आप इसको डिवाइड कर देने अपने अपने को आ जाती है मार्जिनल कोस्ट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, द चेंज इन टोटल कोस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमेंशन ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स, यानी इन्हों के कोई डिमेंशन है जी ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स की जी डिमेंशन है वो नहीं हैगी। ठीक है, इतने वर्ड ध्यान देना अपने नोट। ठीक है, जो ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स है सब तो पहला अपन यह पता होना चाहिए, इसको स्टार्ट किया गया कदों स्टार्ट किया गया 1990 के, यानी 1990 के पहली बार पब्लिश किया गया। इसको पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डिवेलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डिवेलपमेंट प्रोग्राम इस द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, यह जो ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स है इसको पब्लिश करना स्टार्ट किया गया सी, दो इकनोमिस्ट सी, एक इंडिया दे सी, एक पाकिस्तान दे सी, दोनों दे नाम अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ने। पाकिस्तान दे कौन सी, महबूब उल हक, महबूब, महबूब उल हक, महबूब उल हक, यह पाकिस्तान दे व्यक्ति सी, ते एक इंडिया दे व्यक्ति सी अमृत्या सेन, अमृत्या सेन जिन्होंने नोबल प्राइज़ भी दिता गया सी इकनोमिक्स दे लई। ठीक है, यह सी इंडिया दे, इन्हां दोनों व्यक्तियों के द्वारा मिलकर ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स है जो स्टार्ट किया गया 1990। ठीक है, इसको हर साल पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डिवेलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, और इस टोटल तीन जो डिमेंशन ने वह जड़िया ने इनकलूड की जाए ने, यह तीन डिमेंशन कि सब तो पहली है लाइफ एक्सपैक्टेंसी, यानी एक व्यक्ति है जो कि टाइम के लिए जिएगा। ठीक है, लाइफ एक्सपैक्टेंसी। दूजा जो डिमेंशन है वह की है,
वह है नॉलेज या फिर एजुकेशन आप कह सकते हैं नॉलेज या फिर कई थावां ते आपां इसके लिए एजुकेशन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो तीजा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का रहन सहन किस तरह का है यानी जो स्टैंडर्ड है लोगों का वह किस तरह का है रहन दा। यह तीनों डिमेंशनस है बट ये आपां नूं पुछा गया कि डिमेंशन नहीं है तो अपना सिर बन जाएगा सोशल स्टेटस। इस दे विच सोशल स्टेटस ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स का पार्ट नहीं है डिमेंशन नहीं है इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन सोशल स्टेटस। नैक्सट देखो 19 नंबर क्वेश्चन विद विच फॉर्म ऑफ इकोनमी इज़ द टर्म लेजर्स फेयर एसोसीएटड यानी ये आपको पूछा गया है किड़ी इकोनमी के नाल टर्म एसोसीएट है लेजर्स फेयर। लेजर्स फेयर जो टर्म है किड़ी इकोनमी के नाल एसोसीएट है आपको पूछा गया है कैपिटलिस्टिक इकोनमी सोशलिस्टिक इकोनमी मिक्सड या फिर कमांड इकोनमी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा कैपिटलिस्टिक इकोनमी। कैपिटलिस्टिक इकोनमी के नाल एसोसीएट है लेजर्स फेयर इसका आंसर बन जाएगा अपना कैपिटलिस्टिक इकोनमी। एज पर द ट्रिप्स एग्रीमेंट एज पर द ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994 अ गुड ओरिजिनेटिंग फॉर्म ऑफ अ रीजन विद स्पेसिफिक करैक्टर क्वालिटी रेपूटेशन इज कवर्ड टू बी प्रोटेक्टड अंडर IPR एज यानी आपको पूछा गया है ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है 1994 वाला ठीक है इस दे विच आपको पूछा गया है गुड ओरिजिनेटिंग जो रीजन है इस रिलेटेड आपको पूछा गया है कवर किया जाता है उसनों किस दे विच जिहड़ा है प्रोटेक्ट किया जाता है ठीक है यानी आपको पूछा गया इस दे विच जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है 1994 वाला इस दे विच कोई भी वस्तु है कोई भी गुड है ठीक है जितों की वह ओरिजिनेट होंगी है ठीक है उसनों की मिल जाता है उसनों किस दे विच कवर किया जाता है ठीक है ये आपको कहा गया है पेटेंट मिल जाता है या फिर ट्रेडमार्क या फिर ट्रेड सीक्रेट या फिर GI बेसिकली जो चीज़ जो वस्तु किसी भी थान की जिवें फेमस होंगी है ठीक है उसनों की मिल जाता है GI टैग मिल जाता है ठीक है इसका आंसर बन जाएगा अपना जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन GI टैग है जोड़ा वो दिता जाता है यह ट्रिप्स एग्रीमेंट जोड़ा है 1994 वाला उसके अधीन यह दिता जाता है इसका आंसर बन जाएगा अपना जोग्राफिकल इंडिकेटर या फिर GI टैग इसको आप कह सकते हैं। सो ये अपने 20 क्वेश्चन जिस दे विच आपने 10 क्वेश्चन इस दे विच हिस्ट्री दे पाए सी ते 10 क्वेश्चन आपने इकनोमिक्स दे पाए सी 10 दे 10 क्वेश्चन आपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पाए से इकनोमिक्स से हिस्ट्री दे ठीक है टोटल हो गए 20 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपने क्वेश्चन कवर किए हैं जिस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम के पूछे जाते हैं PPSC एग्जाम के उस तरह के अपने क्वेश्चन इस सैट नंबर 1 के कवर किए हैं ठीक है इस सैट के डिटेल के इस सैट नंबर 1 के बस इन्ना ही मिलते हैं सैट नंबर 2 के ठीक है। इस तो इलावा साढ़े द्वारा PPSC कोऑपरेटिव सोसायटी इंस्पैक्टर के लिए एक स्पैशल जिहड़ा गैस पेपर है वो तैयार किया गया है काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा डिमांड की गई थी इस गैस पेपर की क्योंकि नैब सीलदार के एग्जाम के काफ़ी जोड़े क्वेश्चन ने वो साढ़े गैस पेपर के डायरैक्ट पूछे गए थे करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़े क्वेश्चन से वो पूछे गए थे डायरैक्ट ठीक है इस करके काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा इस गैस पेपर की जी डिमांड है वो की गई थी इस करके अपने पहला ही एक महीना पहला ही जोड़ा है यह गैस पेपर है जोड़ा लॉन्च करता इस जो करंट अफेयर लेटैसट होंगे ये तो बाद जे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ठीक है जो टाइम जोड़ा है बीतता जाएगा उसके अकॉर्डिंग तो जो करंट अफेयर ने प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नाल नाल ठीक है। इस अपने यही गल करनी है कि इस कुछ इनकलूड होएगा सब तो पहला तो आप गल करते हैं जो गैस पेपर है ठीक है यह अपने लॉन्च कर लिया है ठीक है और एग्जाम डेट है जी PPSC ने वो भी अनाउंस करती 11 सितंबर 2022 है ठीक है यह तो सबनों पता लग गया होएगा ठीक है इस दे विच सब तो पहला अपने को आते हैं इस दे विच की कुछ इनकलूड होएगा किन्ने क्वेश्चन होंगे सारे बारे आप गल करते हैं ठीक है पॉलिटी के क्वेश्चन आपने पाए ने 400+ पाए ने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पाए ने सब तो इंपोर्टेंट की है इस दे विच आपने प्रीवियस भी नाल पाए ने ठीक है प्रीवियस जो क्वेश्चन हुए हैं चाहे UPSC के पुछे गए हो चाहे PPSC के पुछे गए हो आपने नाल कवर किए ने नाल नाल सारे क्वेश्चन ठीक है टोटल आपने 400 क्वेश्चन पॉलिटी के पाए ने ठीक है उस तो बाद टोटल आपने 400 क्वेश्चन ही आपने पाए ने हिस्टरी के ठीक है इस दे विच अपना मेन फोकस की रहा है मॉडर्न हिस्टरी दे रहा है क्योंकि नैब सीलदार दे विच जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे गए थे वह सारे दे सारे पूछे गए थे मॉडर्न हिस्टरी तो लगभग एक अद्धा क्वेश्चन जो आप मेडिवल तो एंशियंट तो पूछा गया बाकी सारे जो क्वेश्चन ने वह मॉडर्न हिस्टरी तो भी पूछे गए थे इस करके अपने जो मॉडर्न हिस्टरी के क्वेश्चन ने सब तो ज़्यादा इनकलूड किए हैं इस दे विच भी अपने UPSC के PPSC के जो क्वेश्चन ने उन्होंने प्रीवियस दे विच जिहड़ा है इनकलूड किया उस तो बाद इकनोमिक्स आ गई इकनोमिक्स के अपने जिस तरह के अपने क्वेश्चन कवर किए हैं बिल्कुल इसे तरह के क्वेश्चन आपने कवर किए हैं ठीक है ये अपने जिन्हें जिन्हें क्वेश्चन इनकलूड किए हैं सारे नाल जो प्रीवियस क्वेश्चन ने UPSC के PPSC के वो अपने शामिल किए हैं नाल नाल सारे
ठीक है। इकोनॉमिक्स की गल करते हैं, इकोनॉमिक्स के अपने 300 क्वेश्चन कवर किए हैं पंजाब जी के। पिछली बार जो पेपर होया सी नैपसीलदार का, उस 6 क्वेश्चन टोटल पूछे गए सी पंजाब जी के। तो पता है 6 क्वेश्चन जिहड़े कितनी इंपोर्टेंट रोल प्ले करनगे अपने एग्जाम दे विच, ठीक है। आपने पंजाब जीके दे क्वेश्चन इस तरह के पाए ने कि तुहाडा एक भी क्वेश्चन जिहड़ा है पंजाब जीके तो बाहर ना आवे, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अपने पंजाब जीके दे क्वेश्चन पाए ने, ठीक है, ये अपने याद रखना। उस तो बाद गल करते हैं आप रीजनिंग के क्वांट की। टोटल अपने 600 क्वेश्चन पाए ने रीजनिंग के क्वांट के, इस तरह के पाए ने जिस तरह के अपने प्रीवियस पेपर के जिहड़े ने अपने पिछली बार जो गैस पेपर लॉन्च किया उस काफ़ी जो क्वेश्चन जो रिपीट भी हुए और उस तरह के काफ़ी जो वर्क टाइम एंड वर्क के रिलेटिड चाहे सिंपल कंपाउंड इंटरस्ट के रिलेटिड काफ़ी जो क्वेश्चन ने डायरेक्ट पूछे गए थे सेम उस तरह के, ठीक है। यह टोटल अपने 600 क्वेश्चन पाए ने रीजनिंग के क्वांट के। सब तो इंपोर्टेंट गल की है यह जो 600 के 600 क्वेश्चन ने यह वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा आप 600 के 600 क्वेश्चन का, ठीक है। 600 के 600 जोड़े क्वेश्चन ने इन्हों का वीडियो सोल्यूशन भी ही प्रोवाइड किया जाएगा इस गैस पेपर के, ठीक है। उस तो बाद इनवायरमेंट के 250 क्वेश्चन होंगे, तो साइंस एंड टैक के हो 250 प्लस, तो प्रीवियस किन्ने हो गए PPSC के जिनमें प्रीवियस हुए हैं, जिमें प्रीवियस हुए से कोऑपरेटिव सोसायटी इंस्पैक्टर के जो 2 एग्जाम अज तक हो चुके हैं वो अपने सारे पाए ने। उस बार नैपसीलदार का एग्जाम हो गया, सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, प्रिंसीपल का एग्जाम हो गया, हैडमास्टर BPO का एग्जाम हो गया, इस तरह के काफ़ी एग्जाम पाए हुए हैं 2016 तक के जिन्हें भी एग्जाम हुए हैं, यानी 2016 तो लैके 2022 तक, ठीक है। जिन्हें भी पेपर PPSC ने कंडक्ट करवाए ने सारे अपने प्रीवियस क्वेश्चन ने जोड़े इस गैस पेपर के इनकलूड किए हैं। टोटल इन्हों की संख्या बनती है 1200 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। उस तो बाद 1200 क्वेश्चन जोड़े वो अपने पाए ने करंट अफेयर तो, इस टोटल 4 महीनों के अपने करंट अफेयर ने जोड़े कवर किए हैं। टोटल 4 महीनों के जो करंट अफेयर ने अपने कवर किए हैं इस गैस पेपर के, टोटल हो गए 1200 क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप इन्हों सारे मिला दीए, ठीक है, अगर आप इन्हों सारे मिला दीए तो अपने को टोटल जोड़े क्वेश्चन बनते हैं वो किन्ने बनते हैं 5100 के आसपास, यानी 5100 प्लस क्वेश्चन ने जोड़े इस गैस पेपर के इनकलूड हो गए, जिस स्क्रीनशॉट लै सकते हो किस सब्जेक्ट के किन्ने किन्ने क्वेश्चन हो गए यह नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर इन्हों आप सारे मिला दिए तो अपने को 5100 प्लस क्वेश्चन बन गए जो साढ़े द्वारा इस गैस पेपर के प्रोवाइड करे। सब तो इंपोर्टेंट गल की है इस अपने प्रीवियस भी कवर किए हैं, ठीक है। उस तो बाद इस अपने रीजनिंग के मैथ जो है इसे अपने वीडियो सोल्यूशन भी नाल पाया है, तो इस तो सब उस तो बाद अपने को इंपोर्टेंट गल की है पंजाब जीके के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस इनकलूड किए हैं। सारे क्वेश्चन मिला दी अगर आप अपने को 5100 प्लस क्वेश्चन इस गैस पेपर के बनते हैं, ठीक है। हुण आप गल करते हैं गैस पेपर तो किवें मिलेगा, यह जो गैस पेपर है तो PDF फॉरमेट के साडी तरफ तो प्रोवाइड किया जाऊगा, यह तो याद रखना है। यह हार्ड कॉपी है जी प्रोवाइड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी तो जी है प्रोवाइड की जाएगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हुण आप गल करते हैं किन्ने चार्जस ने किवें परचेज कर सकते हो, सारी आप गल करते हैं कदों तुहानू ये अवेलेबल होएगा इस बारे भी गल करते हैं आप, ठीक है। यह जो गैस पेपर है 11 सितंबर के अकॉर्डिंग है जो टारगेट है जोड़ा है वह आपने तैयार किया है, ठीक है। उस तो बाद आप गल करते हैं यह जो गैस पेपर है तुहानू किस किस पेपर के हेल्प करेगा, PPSC कोऑपरेटिव सोसायटी इंस्पैक्टर एग्जाम के हेल्प करेगा, सीनियर असिस्टेंट एग्जाम के हेल्प करेगा, ठीक है। अगर नैपसीलदार का एग्जाम दोबारा होंगे तो उस पेपर के भी जोड़ा है गैस पेपर है यह हेल्प करेगा, ठीक है। इस गैस पेपर के चार्जस किने रखे गए हैं 1000 रुपीज़, 1000 रुपये जोड़े ने वह इस गैस पेपर के चार्जस रखे गए हैं, बट तो 1000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस उपर तो 50% का जो डिस्काउंट है वह दिता जाएगा, यह याद रखना है यह जो डिस्काउंट है सिर्फ और सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए होएगा, यह जो डिस्काउंट होएगा पहले जोड़े 100 बच्चे हो गए 100 स्टूडेंट हो गए उन्होंने लिए ही डिस्काउंट होएगा 50% का, ठीक है। तो जोड़ा यह गैस पेपर है किन्ने का मिलेगा 500 रुपये का, 500 रुपीज़ के जोड़ा है यह गैस पेपर अवेलेबल करवाया जाएगा, जिस 5100 प्लस क्वेश्चन जोड़े ये आपने शामिल किए हैं इस गैस पेपर के। गल याद रखनी है पहले 100 स्टूडेंट को ही यह जोड़ा डिस्काउंट है वह दिता जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है 70,000 के आस पास जोड़े पेपर ने अप्लाई करते हैं और एक दिन के ही जो 100 स्टूडेंट ने वो पूरे हो जाते हैं, इस करके जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी इस गैस पेपर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। किमें परचेज कर सकते हो, पेमेंट किमें करोगे, तुम गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, इस नंबर के उपर 7009868826। यह जो गैस पेपर है यह तो PDF फॉरमेट के अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। गूगल पे फोनपे पेटीएम तो कर सकते हो इस नंबर के उपर,
ठीक है। उस तो बाद जदों पेमेंट कर दोगे तुसी, उस तो बाद तुहाने लिखना है PPSC कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर गैस पेपर, यह तुहाने नाल मैनशन करना है। ठीक है, PPSC कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर गैस पेपर तुहाने नाल मैनशन करना है 2022। ठीक है, यह तुहानू जिहड़ा है साडी तरफ तो सेंड किया जाएगा। कदों सेंड किया जाएगा, यह जो गैस पेपर है यह तुहानू कल तो सेंड कर दिता जाएगा, यानी यह जो गैस पेपर है तुहानू यह 3 अगस्त 2022 तो शाम 4 बजे तो बाद जिहड़ा है वह सेंड कर दिता जाएगा। यानी यह जो गैस पेपर है 3 अगस्त 2022 तो शाम 4 बजे तो बाद जिहड़ा है वह सेंड कर दिता जाएगा। यह तुहाने गल याद रखनी है, शाम 4 बजे तो बाद जिहड़ा है यह गैस पेपर साडी तरफ तो PDF फॉरमैट के विच तुहानू सेंड करना स्टार्ट कर दिता जाएगा। ठीक है, उस तो बाद अगर कोई बच्चा गूगल पे फोनपे पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह स्टूडेंट इस बैंक के भी अपनी ट्रांजैक्शन है जी कर सकता है। उस तो बाद अपनी रिसिप्ट वगैरह जी है वो सेंड कर सकता है। उस तो बाद भी तुहानू जिहड़ा है यह गैस पेपर सेंड कर दिता जाएगा। ठीक है, इस गैस पेपर टोटल 5100 प्लस क्वेश्चन होंगे। यह जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटड होंगे। ठीक है, जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम के पूछे जाते हैं बिल्कुल उस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये गल आपां ने याद रखनी है। मैथ ते रीजनिंग दा तुहानू वीडियो सोल्यूशन भी नाल प्रोवाइड किया जाऊगा, यह भी तुहानू याद रखना है। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन किवें मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन तुहानू प्राइवेट लिंक दिते जाणगे वीडियोज़ दे, उन्हां दे उपर तुसीं क्लिक करके वीडियो सोल्यूशन भी सारिया वीडियोज़ का देख सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन का 600 दे 600 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, यह गल याद रखनी है, पहले 100 बच्चों के लिए 100 स्टूडेंट्स के लिए यह जिहड़ा डिस्काउंट है वह दिता जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो PPSC का कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर का एग्जाम इस बार क्रैक करना चाहता है तो वह स्टूडेंट इन्हां 5100 क्वेश्चन करके जरूर जाओ। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम दे विच डायरैक्ट देखोगे इस गैस पेपर तो। ठीक है, सो ये सी अपना सैट नंबर 1 ते आपने जो गैस पेपर दे रिलेटेड जो इनफॉर्मेशन सी आपने वह भी डिस्कस कर ली, सारी अपने इनफॉर्मेशन सांझी कर ली। अगर तुहानू इस गैस पेपर दे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है जां कोई होर डिटेल चाहिए है तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पुछ सकते हो 7009868826। ठीक है, यह अपना नंबर है, इस दिन नंबर के उपर तुसीं अपना मैसेज कर देना। ठीक है, 1 घंटे के विच तुहानू साडी तरफ तो रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि इस दे नंबर के उपर काफ़ी मैसेज आते हैं, क्योंकि मैसेज ज़्यादा आन करके 1 घंटा जिहड़ा है लग जाएगा तुहानू रिप्लाई करन दे विच। ठीक है, यह गल याद रखनी है, इस नंबर पर तुसीं मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट है इस गैस पेपर के रिलेटिड। ठीक है, बाकी अपने सारी इनफॉर्मेशन सांझी कर ली। ठीक है, इतने गूगल पे फोनपे पेटीएम वगैरह दिता गया है, याद रखना है पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए होएगा डिस्काउंट। जिहड़ा स्टूडेंट बाय करना चाहता है और इस पोस्ट के लिए डेडिकेटेड है तो वह स्टूडेंट इस गैस पेपर नू करके जरूर जाए। इस गैस पेपर के काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे। ठीक है, बाकी सारी इनफॉर्मेशन अपने सांझी कर ली, अगर कोई डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर के मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चंस दे सैट नंबर 1 दे विच बस इन्ना ही, मिलते हैं सैट नंबर 2 दे विच। सो थैंक यू सो मच।